पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने दूसरे दिन चंदन नगर में रोड शो किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों ने प्रत्याशी का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने विधायक रितेश गुप्ता, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के साथ दिल्ली रोड स्थित बैंकट हॉल से दूसरे दिन चंद्रनगर मंडल में दोपहर रोड शो किया। भाजपा प्रत्याशी का काफिला गांगन चौराहा, नया गांव फाजलपुर, शाहपुर तिगड़ी, बुद्धि विहार LIC से आर्यंस पब्लिक स्कूल खुशहालपुर चौराहा, गौतम बुद्ध पार्क काशीराम चौकी से पहले कालीबाड़ी मंदिर, CL गुप्ता बाग, आदर्श कॉलोनी, हिमगिरी कॉलोनी, झांझनपुर, मयूर होते हुए काजीपुरा, लदावली तक गया। रोड शो के दौरान मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल का मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, मिंटू, पार्षद प्रत्याशी प्रियंका, राधा, गीता शर्मा, चंद्रभान सिंह, शीतल, राखी, नीरज गुप्ता, कविता गुप्ता, कमला, हुकुम सिंह ने फूलमालाओं से स्वागत किया। रोड शो में MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, YP सिंह, गिरीश वर्मा, विशेष गुप्ता, धर्मेंद्रनाथ मिश्रा, महिला प्रिया अग्रवाल, अल्पना रितेश गुप्ता, पूनम सैनी, राजेश रस्तोगी, निमित जायसवाल और राजीव गुप्ता, मंत्री सोनू शर्मा, महामंत्री नथुराम कश्यप, श्याम बिहारी शर्मा, कमल गुलाटी, दिनेश शिरसवाल के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह और नगर विधायक रितेश गुप्ता के साथ महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने पूरा जनसंपर्क किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कविता गुप्ता जी और महापौर के प्रत्याशी माननीय विनोद जी अगर आज हमारे वार्ड नंबर 23 में रोड शो के द्वारा जिसमें हमारे माननीय शहर विधायक रितेश गुप्ता जी, महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जी और महानगर अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र मिश्रा जी और हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सदस्य गिरीश वर्मा जी के साथ और यहाँ के क्षेत्र की वार्ड 23 से पार्षद प्रत्याशी कुसुम सैनी के साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा नयागांव अम्बेडकर नगर होते हुए कंजी वाली होते हुए रोड शो का किया गया। कैसा रहा आज का रोड शो और किस तरह का समर्थन रहा है? रोड शो के द्वारा बहुत अच्छा समर्थन मिला। भारी संख्या में कार्यकर्ता और हमारे जो है सम्मानित लोग उसमें मौजूद रहे। अच्छा, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? क्षेत्र की जनता से अपील है कि काम पर वोट दे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर वोट दे, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सरकार कार्य कर रही है और आने वाले समय में भी वार्ड 23 से पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।